गाजा में इसराइल की कार्रवाई के विरोध में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध खत्म करने की बड़ी घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति पेट्रो ने बोगोटो में मई दिवस की रैली में ये अनाउंसमेंट किया। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि नरसंहार करने वाले नेता के कारण इसराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे। पेट्रो ने हजारों समर्थकों से कहा कि दुनिया नरसंहार और विनाश स्वीकार नहीं कर सकती। अगर फिलिस्तीनी मर जाता है तो मानवता मर जाती। गाजा में जो हो रहा है उसे लेकर आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। बता दें कि इसराइल और कोलंबिया के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन गाजा में जंग के बाद से ये लगातार बिगड़ते चले गए। पेट्रो के बयान के बाद इसराइल ने भी पलटवार किया है। इसराइल ने कोलंबिया पर हमास की आतंकी कार्रवाइयों का समर्थन करने और यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसराइली विदेश मंत्री इसराइल काटस ने एक्स पर लिखा, कोलंबियाई राष्ट्रपति ने हमास के हत्यारों और बलात्कारियों को पुरस्कार देने का वादा किया था, आज उन्होंने पूरा किया। इतिहास याद रखे कि गुस्तावो ने सबसे घृणित शैतानों के साथ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने नवजातों को जलाया, बच्चों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और निर्दोष नागरिकों को किडनैप किया। वही कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का आरोप लगाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू से दक्षिण अफ्रीका के एक केस में शामिल होने का अनुरोध किया है। पेट्रो गाजा में इजरायली हमले की तुलना नाजीवाद से कर चुके हैं। उन्होंने गाजा में कार्रवाई के बाद इजरायली हथियारों की खरीद डील को भी खत्म कर दिया था। इससे पहले कोलंबिया ने इजरायल के राजदूत को देश छोड़ने को कह दिया था। बहरहाल जिस तरह से इसराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बटी है और वहीं इसराइल और कोलंबिया के रिश्तों पे भी खटास पड़ गई है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।